Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आप एक न्यू थीम सर्च कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। अगर आपको ये थीम और वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाइए वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एमआई वे 12.5 या एमआई वे 13 के लिए अगर आप एक न्यू थीम सर्च करें तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहिए इस थीम को अप्लाई करने के बाद गूगल का फोल्डर में, तो इसमें आपको iOS इंस्पायर्ड आइकन्स देखने को मिल जाता है। फोल्डर स्टाइल आपको काफी इंटरेस्टिंग iOS इंस्पायर्ड देखने को मिलता है। होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर सभी जगह आपको सिमिलर आइकन्स और आपको फोल्डर स्टाइल देखने को मिल जाता है। आपको इनफैक्ट विजेट भी जो है आपको iOS इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। तो लुक वाइज काफी इंटरेस्टिंग आपको लुक देखने को मिलता है इस थीम में। अगर आप जाएगा इसका कंट्रोल सेंटर में, तो इसमें आपको न्यू टाइप का टॉगल्स देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। आपको जो है आपका पूरा कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं होता, बट आपका कुछ सिलेक्टेड टॉगल्स जो है चेंज हो जाता है। अगर आप जाएगा इसका सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी आपका टॉगल्स जो है वो आपका चेंज हो जाता है। ये थीम डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता, नहीं तो और भी इंटरेस्टिंग होता। आपको बैकग्राउंड जो है डार्क देखने को मिलता, बट आपका ये लाइट मोड ही सपोर्ट करता है। अगर आप जाएगा इसका अबाउट फोन में, तो आपका चेंज नहीं होता। अगर आप जाएगा इसका ऑल स्पेक्स में, तो ऑल स्पेक्स में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाता है, जितने कि आपको ज़्यादातर थीम्स में चेंजेस होता है। अगर आप जाएगा बाकी जैसे कि इसका एडिशनल सेटिंग्स में, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो। तो लुक वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको जो ये थीम देखने को मिलता है। डायलर मैसेजेस ऐप में अगर आप जाइएगा, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, बट गूगल डायलर मैसेजेस ऐप आने के बाद आपको वो चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपका वॉल्यूम स्लाइडर में जो है आपका वॉल्यूम स्लाइडर्स का कलर चेंज कर दिया गया। तो लुक वाइज काफ़ी क्लीन, काफ़ी मिनिमल थीम है, पर्सनली यूज़ के लिए परफेक्ट है, जो कि आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जाइएगा इसका लॉक स्क्रीन में, तो इसमें आपको ओरिजिन वेस्ट इंस्पायर्ड जो आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। डेट एंड टाइम का विजिट, एनालॉग क्लॉक, आपका डिजिटल क्लॉक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्टेप काउंटर, बैटरी, आपका फ्लैश लाइट, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आप देख सकते हैं इसमें आपको डेट एंड टाइम का विजिट और आपका वेदर का विजिट भी देखने को मिल जाता है। डबल टैप कीजिएगा बॉटम कॉर्नर में, तो आपको जो है आपका एंड्रॉयड 12 का विजिट देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो। तो आपका एंड्रॉयड 12 का जो विजिट भी इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन में। मेरे को पर्सनली इसका लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये थीम पसंद आया तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक मारिए, फिर जाइए थीम स्टोर में, सर्च कीजिए लैंडस्केप ओएस। जैसे आप सर्च कीजिए लैंडस्केप ओएस, तो आपको ये थीम मिल जाएगा। जाइए थीम स्टोर में, सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए और फिर अप्लाई करने के बाद आप जो है ट्राई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगे लैंडस्केप ओएस। आई होप के साथ आपको ये वीडियो और थीम पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो पहले आपको वीडियो को लाइक मारना है। वीडियो में लाइक एम 110 का रखते हैं, तो जाइए वीडियो को पहले लाइक एम कंप्लीट कीजिए, 110 लाइक्स मारिए। फिर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल करके हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।